अधिकारियों द्वारा शिक्षकों को डरा धमका करके ज्यादा से ज्यादा दोहन शोषण किया जाए, इस तरह का नियमावली बनाया गया है। कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ जो है सो ये लोग तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। शिक्षकों की जब तक मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक वो क्या शिक्षा देने का काम करेंगे। तो उनके मानसिक स्थिति को तनावग्रस्त बनाने का प्रयास बराबर अधिकारियों द्वारा की गई है। सदन में तो बात आएगी क्योंकि शिक्षक रोड पर है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को, मैं अभिषेक है। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी के नेता भी एमएलसी भी साफ साफ विरोध कर रहे हैं। ऐसे में आरजेडी के विधायक इसराइल मंसूरी हमारे साथ है। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षकों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पर इस तरह का नियमावली बनाया गया है अधिकारियों द्वारा शिक्षकों को डरा धमका करके ज्यादा से ज्यादा दोहन शोषण किया जाए, इस तरह का नियमावली बनाया गया है। कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ जो है सो ये लोग तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। शिक्षकों की जब तक मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक वो क्या शिक्षा देने का काम करेंगे। तो उनके मानसिक स्थिति को तनावग्रस्त बनाने का प्रयास बराबर अधिकारियों द्वारा की गई है, जो शिक्षा जगत के लिए उचित नहीं है। शिक्षकों की मांग जायज है। शिक्षक क्या अनुमंडल, अब जिस जिला में अनुमंडल नहीं है, एक ही अनुमंडल है, कितने शिक्षक वहां रहेंगे, जिला बदतर कर दिया जाए। इसलिए बहुत स्थिति ठीक नहीं है, पूरा तरह ही माम स्थिति में है। शिक्षक अपने आप को ज्यादा चिंतित है कि हम कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे। तो जो मानसिक स्थिति जिसकी ठीक नहीं होगी, तनाव में रहेंगे जो लोग, वो अच्छी शिक्षा कहाँ से दे पाएंगे, ये प्रश्न उठता है। और ये लोग हम लोग बहाल कराए थे। देखिए, महागठबंधन की सरकार चली गई, TRI-3 का आज तक रिजल्ट निकला क्या? वो युवा नेतृत्व तेजस्वी प्रसाद यादव ही थे जो काम करना चाहते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या स्थिति है देख रहे हैं, अधिकारी भी नहीं सुन रहा है कोई बात। तो कहीं ना कहीं जो है सो शिक्षा जगत में काफी नुकसान हो रहा है। इसको लेकर सदन में आवाज उठाई जाएगी क्या? निश्चित तौर पर सदन में आवाज बुलंद किया जाएगा। हम लोग शिक्षकों के साथ है, शिक्षकों की समस्या सुनकर ही निष्पादन करना चाहिए तो ज्यादा बेहतर होता शिक्षा। सदन में हंगामा होगा निश्चित तौर पर। सदन में आप लोग करेंगे? सदन में तो बात आएगी क्योंकि शिक्षक रोड पर है, शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षकों पर एक्शन लिया जा रहा है, कई शिक्षकों पर कार्रवाई होती है विरोध बोलने पर, और पहले तो विधायकों पर भी एक्शन लिया जा रहा था। विधायकों को नोटिस बता चुके हैं कि शिक्षकों को लगातार डराए धमकाने का प्रयास अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है दोहन शोषण करने के लिए। आवाज उठेगी निश्चित तौर पर, आवाज उठेगी। अच्छा, शिक्षकों की जो टाइमिंग है, स्कूल की टाइमिंग है, उसको लेकर फिर बवाला हो रहा है क्योंकि शाम का वक्त हो गया, ठंडा का समय आ गया। ऐसे में शिक्षकों को 4 से 5 बजे तक स्कूल में रहना पड़ता है और आए दिन हत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं शिक्षकों के साथ। कई जिलों में हत्याएं भी हुई हैं शिक्षकों की। देखिए, अब तो शाम का समय कुहासा अब लगना शुरू हो गया है। शिक्षकों के साथ साथ बच्चों को भी तो परेशानी है। ठंड के मौसम में शाम 5 बजे तक स्कूल करेंगे, बच्चों को भी परेशानी है। क्वालिटी शिक्षा होनी चाहिए। टाइमिंग अब 5 घंटा क्लास चला रहे हैं, पढ़ाई कुछ नहीं हुआ। अगर 5 घंटा के बजाय अगर 4 घंटा ही क्लास चले, अच्छी शिक्षा हो, ये महत्वपूर्ण है। और अच्छी शिक्षा तभी संभव है जब शिक्षक जो है सो अपने आप में संतुष्ट हो, तभी जाकर के अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। नीतीश कुमार ने विधानसभा में ऐलान भी किया था लेकिन उसका भी असर अधिकारियों में नहीं दिखा, कोई टाइमिंग में बदलाव नहीं। हम लोग कैबिनेट में थे, हम लोगों के सामने मुख्य सचिव जी को बोला गया था, उसके बावजूद भी विधानसभा में बोले कि मुझे याद नहीं है, किसी ने बताया नहीं। और विधानसभा में उन्होंने बोला और पूरा बिहार के पूरे देश के लोगों ने देखने का काम किया, उसके बाद भी टाइमिंग में सुधार नहीं हुई। तो जिस राज्य का मुखिया का यह स्थिति हो, वह राज्य कैसे चल रहा है, समझ सकते हैं। मतलब अधिकारी सुनते नहीं है, अधिकारी किसी का नहीं सुनते हैं। जब मुख्यमंत्री जी की बात को अवहेलना हो गई तो अन्य जनप्रतिनिधियों को, आम जनमानस का क्या स्थिति होगा, आप समझ सकते हैं। आजकल एक सवाल है, बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह की बातें कह रहे हैं। अरे, बोलना चाहिए कि जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। एकता में जो बल है, साथ में जो बल है, वो कटे बटने का नारा, ये लोग सत्ता में है। आप बेरोजगारी का बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए, ये सब क्या बात करते हैं।
ये नफरत फैलाने वाले बात क्यों करते हैं? आप ये भी बोल सकते हैं जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, साथ होंगे तो बढ़ेंगे, नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, आ इकट्ठे बैठे ये लोग ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, ये लोग मुद्दा की राजनीति नहीं करते हैं, और देख रहे हैं धीरे धीरे हरास हो रहा है, आने वाले समय में ये लोग खत्म हो जाएंगे। इस देश की संस्कृति में सद्भाव है, एकता है, भाईचारा है, हजारों वर्ष सैकड़ों वर्षों की विरासत है, यह समाप्त होने की नहीं है। ये लोग अपने चुनावी एजेंडा के लिए, गद्दी के लिए इस तरह का नफरत भरी बातें करते रहते हैं। अच्छा, चार सीटों पर उपचुनाव हुआ है बिहार में, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, क्या लगता है बेलागंज, तरारी, इमामगंज और रामगढ़ में? देखिए, ये लोगों का सुफरा साफ हो जाएगा। 13 अंक ऐसे भी भाजपा के लिए काल ही साबित हुआ है, और 13 तारीख को चुनाव हुआ है, और जो स्थिति है पूरे बिहार में भ्रष्टाचार का, अपराध का, उससे जनता त्रस्त है। जनता दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार चाह रही है, और उसी हिसाब से परिणाम आएंगे। परिणाम चारों सीटों पर क्या रहेगा? महागठबंधन जी, कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने आपका खेल बिगाड़ दिया। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी पार्टी खड़ा होता है तो कुछ न कुछ तो निर्दलीयों को भी खड़ा हो जाता है, लोग डमी उमी के बाहर खड़ा कराते हैं, उनको भी कुछ वोट आ जाता है। चारों ही सीटों पर महागठबंधन जीतेगी। ट्रांसफर पोस्टिंग पर हंगामा मचेगा निश्चित तौर पर, हम लोग शिक्षकों के साथ हैं, सदन में आवाज उठाएंगे। हाँ, निश्चित। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है, आरजेडी के विधायक है इसराइल मंसूरी, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, बिहार सरकार में मंत्री थे, और बेबाकी से अपनी बात कहते हैं, और साफ साफ ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को लेकर साफ साफ कहा है कि शिक्षकों के साथ महागठबंधन है और अधिकारी उन्हें डरा धमका कर परेशान करना चाहते हैं, और ऐसे में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग नीति को लेकर अब सदन में भी आवाज उठेगी, सदन में भी हंगामा होगा। साथ ही साथ बिहार की चार सीटों पर साफ साफ कहा है कि चारों ही सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे, चाहे बेलागंज हो, चाहे इमामगंज हो, चाहे रामगढ़ हो या तरारी हो, चारों ही सीटों पर महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीतेंगे। साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से एक नारा इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, बटेंगे तो कटेंगे, ऐसे में आरजेडी विधायक ने साफ साफ कहा है जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, ये भी तो बोल सकते थे, और ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जनता जान चुकी है, जनता महागठबंधन के साथ है, इन लोगों के साथ नहीं है, चारों ही सीटों पर हमारी जीत निश्चित है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अब सदन में भी हंगामा मचेगा। तो मैं रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए, धन्यवाद।